जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं शीतला सप्तमी की कथा। शीतला सप्तमी हिंदू धर्म का एक लौता ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का सेवन किया जाता है। साथ ही शीतला माता को भी इस दिन बासी भोजन ही चढ़ाया जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से रोग, चेचक, फुंसियों, ज्वर इत्यादि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। शीतला सप्तमी व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बार उसने और उसकी दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। मान्यताओं के अनुसार इस दिन केवल बासी चावल ही चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने इसकी जगह ताज़ा खाना बना लिया। क्योंकि दोनों ही बहुओं की हाल ही में संतान हुई थी, तो दोनों को इस बात का डर था कि कहीं बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। जब ये बात उनकी सास को पता चली तो उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आया। कुछ ही समय बाद दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके चलते सास ने अपनी दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। अपने मृत बच्चों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। फिर रास्ते में उन्हें दो बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों जुओं से परेशान थी। बहुओं को जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने उन बहनों के सिर को साफ कर दिया, जिससे उन दोनों बहनों को आराम मिला। दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बहुएं रोने लग गई और अपने बच्चों के साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बताया। बहुओं की कहानी सुनकर शीतला ने कहा, तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। अपनी गलती मानकर दोनों ने शीतला माता से माफ़ी मांगी और भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा भी ली। तब शीतला माता ने दोनों बच्चों को दोबारा से जीवित कर दिया। कहते हैं इसी के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाए जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज देखते हैं कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझ पर विश्वास करता है। यह सोचकर माता शीतला राजस्थान के डुंगरी गांव में आ गई और उन्होंने देखा कि इस गांव में कोई मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में टहल रही थी कि तभी किसी ने एक घर के ऊपर से उबले हुए चावल का पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता पर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले हो गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। गांव में हर तरफ शीतला माता चिल्लाने लगी, वह जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में शीतला माता की किसी ने मदद नहीं की। वहां एक कुम्हार महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। कुम्हारन ने देखा कि यह बुढ़िया बहुत जली हुई है, उसके पूरे शरीर में गर्मी है, उसके पूरे शरीर पर छाले हैं, यह गर्मी सहन नहीं कर पा रही है। तब कुम्हार ने कहा, हे माता, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालता हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी औरत पर ठंडा पानी डाला और कहा, हे माँ, रात में बनी रबड़ी मेरे घर में रखी जाती है और कुछ दही भी है, आप दही और रबड़ी खाइए। बूढ़ी माई ने रबड़ी और दही खाई तो शरीर को ठंडक एहसान हुआ। तब कुम्हारन ने कहा, आओ माँ, तुम्हारे सिर पर बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी बांध दूँ। अचानक कुम्हार की नज़र उस बुढ़िया के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हार ने देखा कि बालों के अंदर एक आँख छिपी हुई है। यह देख कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। जब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ, मैं इस घर में आई थी यह देखने के लिए कि मुझ पर कोई विश्वास करता है या नहीं, जो मेरी उपासना करते हैं। ऐसा कहकर माता अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर, चार भुजाओं वाला हीरा आभूषण धारण कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई।
माँ को देखकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब बेचारी माँ को कहाँ बैठाऊँ। तब माँ ने कहा, हे पुत्री, तुम किस सोच में पड़ गई। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू बह रहे थे, हे माता, मेरे घर में चारों ओर गरीबी बिखरी हुई है, मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में न तो कोई पद है और न ही बैठने के लिए आसन। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उसके घर पर खड़े होकर गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में एक डली लेकर घर की दरिद्रता मिटा दी। इसी तरह जो भक्त भक्ति भाव से शीतला माता की पूजा करते हैं और उनको ठंडा पानी, दही और बासी ठंडा भोजन देते हैं, उनके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है।